हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइब्ड इज असेंशियल फॉर इम्बाइबिशन। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट। द ऑप्शंस गिवन आर ए एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड, बी इज मॉलिकुलर डेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बेंट, सी इज कंसेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड डी ऑप्शन इज प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द एब्जॉर्बेंट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, की कंसेप्ट जिसे यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इम्बाइबिशन। ओके, अगर हमें पता है कि इम्बाइबिशन क्या है तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को वेरी इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इम्बाइबिशन इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स इज नोन एज इम्बाइबिशन। वाटर का एड्सॉर्प्शन बाय हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं इम्बाइबिशन। और अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, कोई एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन देखें, तो क्या देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें कि इम्बाइबिशन में क्या क्या होता है। तो मैं जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें हम देखें तो जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं फॉर इम्बाइबिशन, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इम्बाइबिशंस क्या क्या होती है स्टूडेंट्स, एक तो क्या होता है, पहला होता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट should exist between adsorbent and liquid. दूसरी necessary condition क्या होती है students, जो adsorbent and liquid होता है they should have affinity for each other. कौन किस किस के बीच में, adsorbent and liquid के बीच में। and the third condition is जो जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इम्बाइबिशन रेट वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज, इम्बाइबिशन रेट आल्सो इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, और जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, प्रेशर पोटेंशियल है एंड कंसेंट्रेशन है, इनका स्टूडेंट्स इम्बाइबिशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखे तो हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज एफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।